ठीक है स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, चुनावी यात्रा में इस वक्त हम फिर से हटिया में पहुंच चुके हैं। दोस्तों, लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जहां हटिया होता है वह चूंकि लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होता है, तो यहां पर हम जानने के लिए आ गए हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो अररिया लोकसभा के जो मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे और सबसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अररिया की जनता इस बार जो है किसको चाह रहा है। एक मिनट समय दीजिएगा, एक मिनट। क्या नाम हुआ आपका? विकास मरीक। किधर जा रहा है वोट आपका इस बार? अभी तो इस चीज के बारे में थिंकिंग नहीं किए हैं। 7 मई को वोटिंग होना है, अभी तक आप जो है इस चीज को अभी थिंकिंग नहीं किया। चलिए, बाकी बात अगर ऑप्शन आएगा आपके पास राजद और भारतीय जनता पार्टी तो किसको चुनेंगे? बोले ना, अभी तो थिंकिंग नहीं किया। चलिए, बाकी बात एक और माजी है, क्या नाम हुआ आपका? शर्माइए नहीं, वोट गिराइएगा ना। किधर? फूलछाप में है। फूलछाप में? आखिर क्यों? मोदी सरकार ठीक है। और सरकार ठीक ना? ना, मोदी सरकार हमको बहुत कुछ दिया है। क्या क्या दिया? फिर भी रोड दिया है, कॉल दिया है, लाइन दिया है, हर एक चीज का सुविधा, राशन। अच्छा, दिया है सब कुछ। आप अपने मन की बात भी बता ही दिए क्या? हम लोग उसी को वोट देते। पहले व्यक्ति मुझे मिले हैं जो इनका कहना है कि हम फूल छाप को वोट करेंगे। एक और भाई जी है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा संतोष यादव नाम है। यादव जी हैं? कहाँ घर हुआ? शंकरपुर। किधर? शंकरपुर। शंकरपुर? अरे किधर, वोट किधर? लालटेन छाप में। हम लोग तो बोले मराएगा, मराने दीजिए, अपना वोट से मतलब कीजिए। ज्यादा हम किसको वोट देंगे? हम अपना जात को नहीं देंगे, किसको देंगे? फूल छाप तो फिर बात तो कर भी किया है, और अपना वो सर्वेक्षण करने के लिए गमता है कि 15 साल वोट नहीं होगा। यादव को क्यों वोट दीजिएगा? हमारा जात है ना, सिर्फ जात होने से आप वोट दे? बहुत बात है उसमें कि हिंदू मुस्लिम में, मान लीजिए वोट देना है तो लालटेन में वोट दीजिए। अच्छा, कहां फूल में देंगे? यानी आप कट्टर राजद है ना? वोट देवो करेंगे, वो कहेगा कि हमको वोट नहीं दिया है। अच्छा, उसमें यही खूबी है कि हम यादव अपना मजबूत कायम करेंगे, हार जाए और जीत जाए, लेकिन वोट अपना यादव। बहुत सारे यादव जी हैं जिनका मन डोल रहा है। मैं फरवीसगंज में कवर किया था, बोले हम कट्टर यादव हैं और कट्टर बीजेपी। हम लोग तो अपना जो हम लोग बोलते हैं ना वही काम करेंगे। अच्छा। और हम 10 आदमी भी बोलते हैं, अपना जात को वोट दीजिए। यही एक तो मोहम्मदन हिंदू यही दूटो जाते हैं, सब तो ऐरू करूम जेबे करेगा, पुल में जेबे करेगा। काहे कि उसका कहता है कि हमारा राशन देता है, कोई कुछ नहीं देता है। पहले आदमी भूखा मरता था, महंगाई कितना है वो सोचे गलत है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मजहर हुआ। किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग तो वोट लालटेन में दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का नाम जान के दे रहे हैं। अच्छा। और तेजस्वी जी को दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। एक मिनट चाचा, क्या नाम है आपका? अरे बोलिए, इधर इधर बोलिए बोलिए, क्या नाम है? मोहम्मद नूरुद्दीन। किधर वोट जा रहा है आपका? अभी विचार नहीं है। अरे कब विचार कीजिएगा? 7 तारीख को वोट डालना है, किधर डालना है वो विचार कर लेंगे। इसमें क्या यही मान लो देना है ना? वोट तो देना ही है ना। अभी तो किधर, अभी मशवरा नहीं है ना। लोग बोलता है मुसलमान लालटेन में जाता है। अब वो बात लोग बोलने से क्या होता है? बहन जी है, बहन जी एक मिनट समय दीजिए। क्या नाम, क्या नाम हुआ? रत्नी देवी। किधर वोट डाल रहे हैं? फूल छाप। हम लोग रिव्यू कर रहे हैं चुनाव का, जनता क्या सोच रहा है, किधर आपका वोट जाएगा? जिधर सब देगा उधर दे देंगे। अभी बोले थे फूल छाप, फूल छाप में दे देंगे। फूल मुए लालटे मुए जे मुए देना तो पड़ेगा। मन डगमगा रहा है ना? नहीं देंगे तो उसी को, अभी सरकार वही है उसी में दे देंगे। चलिए, बाकी बात एक चाचा जी हैं, आइए इधर, तीनों आदमी आइए, हो चारों आदमी आप लोग आइए। तो चाचा ये एक मिनट आइए, अच्छा आइए आइए, आप भी आइए, यहाँ खड़े होइए ना। मेरे साथ में इस वक्त 4 बुजुर्ग हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। चारों बुजुर्ग से हम जानने का प्रयास करेंगे, 1 2 3 4 चारों बुजुर्ग का मन में क्या है। क्या चाचा, सबसे पहले प्रणाम आपको। अब हमारा नाम ले मन ठगने वाले आप है? हम मन काहे ठगेंगे? ठगिएगा तो जिसको हम जिसको देंगे देंगे। हम लोग सर्वे कर रहे हैं चाचा, देना
माइक को ना हटाइए चाचा। अच्छा वो किधर वोट पड़ रहा है? हम कह देंगे आप ही को देंगे, हम देने के टाइम में नहीं देंगे तब क्या होगा? ना ना हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा इधर आइए, हम तो आपको नहीं कहे आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, हटिया बाजार में जा रहे हैं, लोगों से जानते हैं कि आखिर लोकसभा 24 को लेकर अररिया की जनता क्या मन बनाई। हाँ। बस हम लोगों का यही प्रयास है। हाँ। इससे एक अनुमान लग जाता है। हाँ, क्या कहेंगे अभी तो कहिए, विचार तो एक मिनट में हो जाएगा जब देने का समय होगा। अभी नहीं बोलिएगा, कुल मिलाकर बात यही है। हाँ। आप क्या हैं, क्या नाम है आपका? गुजरू मांझी। इधर मांझी जी के तरफ कि ना दूसरे तरफ? नहीं सिंधिया। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम सुधीर पासवान। इधर पासवान जी, हम तो वही रहेंगे जहाँ चावल खिला रहा है वहीं पर रहेंगे, डायरेक्टर बोलते हैं। चावल के खिला रहा है मोदी, मोदी जी है? और कौन देने वाला है? राहुल गांधी बोले हमारा सरकार बनेगा तो 5 के बजाय 10 देंगे, 10 किलो। सुनिए ना सत्ता, सुनो सत्ता आने के बाद सब कम समझते, हम कुछ लोग दे देंगे लेकिन होता है ना, अभी जो दे रहा है उसी के देंगे हम। चलिए बाकी बात, आप चाचा आप किधर हैं? बस वही चावल वाला में। चावल वाला मतलब फूल वाला ना? फूल वाला जो है आपका भी उधर है। बाकी बात और हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, एक नौजवान भाई मेरे साथ है, क्या नाम हुआ भाई जी? उपेंद्र कुमार सिंह। इधर आपका वोट? फूल छाप। चलिए आपका वोट गिरता है? नहीं अभी हम नहीं, नाबालिग है। इधर नेता जी हमारे हैं, क्या हाल है? सब हाल ठीक है। इधर वोट? अरे भाई किधर वोट, फूल छाप में वोट कहाँ? वोट दे किसको, देश बचावे उसको, क्या नहीं देता, राशन नहीं देता, पैसा 3,000 नहीं देता, क्या नहीं देता, कौन सी में विकास में कमी किया है मोदी जी की उसको वोट ना दें, यही बात है, विकास में कमी नहीं। आइए भाई जी, आइए आइए। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? बलराम शर्मा। उधर उधर? हाँ हाँ बोलिए। किधर जा रहा है? फूल छाप एकदम भाजपा पूरा कट्टर। हाँ 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 हा। बाकी बात आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त कपड़ फोड़ा में हूँ, लोगों से जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? श्याम सुंदर पास। किधर आप? फूल छाप। फूल छाप, देखिए आइए आइए। आप हम महिलाओं से भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो महिलाएं हैं हमारे देश की वो क्या सोच रहे हैं। आइए हटिया में घुसते हैं, आइए चाची एक मिनट समय लेंगे। लोकसभा में किधर वोट डाल रहे हैं? कहाँ घर है? वोट दे। रुके टोपी वाला चाचा, रुके रुके, किधर वोट किधर जा रहा है? जिधर होगा जिधरे मतलब ये होगा, आप वोट शोर देखेंगे उधर दे देंगे। मोदी जी कहते हैं अब मुसलमानों का भी मन बदल रहा है। हाँ ठीक है, इधर हाँ बोलिएगा ना, कहा तो जिधर आइए। क्या नाम हुआ भाई जी? सर मेरा नाम मनोज कुमार पासवान। इधर वार्ड नंबर? चलिए सर हम लोग तो बीजेपी का कैंडिडेट है सर। यानी आपका कहने का मतलब है भाजपा? भाजपा नहीं वोट देंगे। चलिए धन्यवाद, आइए और लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मधुसूदन मंडल। इधर वोट है मंडल जी का? मंडल जाएगा वोट 7 तारीख को? हाँ देखते हैं कि जो ठीक रहेगा उसको देंगे। चलिए बताइएगा, नहीं उम्मीदवार बढ़िया रहेगा उसको देंगे। चलिए उम्मीदवार पर वोट देंगे आप। हाँ। बाकी बात और लोग हैं उनसे जानेंगे हम। आइए हटिया में है इस वक्त हम घूम रहे हैं और लोगों से जानने का। एक मिनट बहन जी, एक मिनट समय दीजिए। 7 तारीख को वोट है, किधर? हम लोग पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं ना, ना हम सटेंगे का है। किधर वोट दे रहे हैं? फूल छाप कर दे। चलिए बाकी बात यही जान है। आइए चाचा एक मिनट, एक क्या नाम हुआ चाचा? मसीन दास है। इधर वोट दे रहे हैं हम लोग, पार्टी तो इसमें क्या व्यक्त करना है? नहीं नहीं एक बार कैमरे में बता दीजिएगा। ठीक है, हम लोग फूल का कैंडिडेट हैं। चलिए यही जानते हैं हम, यही जानने का प्रयास करते हैं। आइए एक मिनट आपका सर समय लेंगे, महज एक मिनट। लोकसभा अररिया लोकसभा के लिए कौन बेहतर, राजद या फिर बीजेपी? बीजेपी। हाँ बीजेपी को वोट कर रहे हैं। चलिए आइए,
चाचा एक मिनट आपसे, अररिया लोकसभा के लिए बेहतर कौन, बीजेपी या कांग्रेस या राजद? बीजेपी। बीजेपी जी, आपके नजर में कौन? ठीक है बोला, बीजेपी। हाँ सही 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 बात, बीजेपी। हाँ एकदम। ओ चाचा रुके रुके, क्या नाम है? मोहम्मद जाबूल। किधर वोट गिरा रहे हैं? जिधर मर्जी होगा गिराएंगे। हाँ और क्या, अब मैं जिस जगह पर हूँ दोस्तों, ये जगह है कपड़फोड़ा और यहाँ पर हटिया लगता है, हिंदू मुस्लिम तमाम जाति के लोग यहाँ पर आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पर अगर घूमकर ग्राउंड जीरो से अगर आपको दिखाया जाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होगी। क्या नाम है चाचा? इधर वोट, वोट किधर? जिसको कहिएगा उसी को देगा। हम काहे कहेंगे, आप ना अपना मन से हाँ कहियो, जे मांगते तक रहने दे। ओ है देखो चाचा, बीजेपी या राजद, लालू यादव या मोदी जी? इधर लालू यादव। ओ आइए चाचा, मिल गए लालू यादव वाले। की बात चाचा, क्या नाम हुआ अपना? शुभ नाम। शुभ नाम सुरेंद्र मालाकार। किधर जा रहा है वोट? किधर जा रहे हैं? हाँ वोट किधर डाल रहे हैं? वही अपना साहब। नहीं समझे, मोदी को। अच्छा मोदी जी वाले। ए चाचा क्या नाम हुआ आपका? नाम देव नारायण पासवान। पासवान जी किधर हैं? अरे मन जिधर जाएगा उधर चले जाएंगे। कैमरे में बता देते थोड़ा अच्छा होता। हाँ मोदी जी के। मोदी जी हाँ। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ दोस्तों, आप जनता की आवाज को सुन रहे हैं, जो सत्यता है, बिल्कुल सत्यता के साथ इस वक्त मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और लोगों से दिल की बात जानने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या नाम है चाचा? खेतरू सिंह। किधर चाचा किधर? ऐसे समय तो कुनो भर दे दे, समय आएगा तो। एक मिनट समय दीजिएगा बहन जी, आइए। क्या नाम हुआ बहन जी? फूलो देवी। किधर वोट डाल रहे? मोदी देंगे। किधर देंगे? मोदी जी। आप? मोदी को। मोदी जी हाँ। मोदी देते हैं, मोदी देंगे किसको? कोई कुछ नहीं देता, कोई कुछ नहीं देगा। सरकार में मोदी जी हैं तो वो देना ही पड़ेगा। हाँ मोदी एक देंगे। बाकी बात दोस्तों, मैं इस वक्त कपड़फोड़ा में हूँ और यहीं से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था। सॉरी वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों और भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।